नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आपके साथ फिर अपने संगठन के नाम और उसके काम के अनुरूप मानवाधिकार के उन पहलुओं को छूने की कोशिश करूंगा जो आप रोज देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी उसे मानवाधिकार से जोड़कर देख नहीं पाते। कभी आप अपने काम की जल्दी में होते हैं, कभी आपकी आवश्यकताएं होती हैं, कभी मजबूरियां होती हैं, और इस आधार पर आपको ऐसा लगता है कि मानवाधिकार का विषय एक गौण विषय है। आप अपने घर में टीवी रखते हैं, स्मार्ट मोबाइल रखते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, हेलो डैड कहते हैं, और इसी को आप आधुनिकता समझते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, अच्छी सड़कों को आप आधुनिकता समझते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मानवाधिकार भी आधुनिकता का एक सबसे बड़ा पहलू है, सबसे बड़ा मानक है? यदि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं हैं, वैचारिक स्तर पर आपके अंदर स्वयं अपने शरीर के प्रति गरिमा का भाव नहीं है, इसके अस्तित्व को सम्मान दिलाने का भाव नहीं है, इसके अस्तित्व के स्वतंत्रता का भाव नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं और आपका मानवाधिकार सुरक्षित है? खुला मानवाधिकार उल्लंघन आप स्वयं अपना होते देखते रहते हैं, लेकिन आप कुछ करते नहीं। क्या आपने कभी देखा, ऑटो में 3 लोगों के बैठने की जगह होती है, ड्राइवर सहित 6 लोग बैठते हैं। लखनऊ की सड़कों पर चलने वाले टेम्पो, जिसे गणेश भी कहते हैं, उसमें सिर्फ 6 या 7 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ड्राइवर के साथ उसमें 12 लोग बैठते हैं। परिवहन विभाग की चलने वाली बसें सीट पूरी भरी होंगी, लेकिन वो खड़े खड़े लोगों को ले जाएंगे, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A यह कहती है कि अतिरिक्त यात्रियों पर प्रति यात्री 1000 का जुर्माना है। लेकिन यहाँ पर मैं जुर्माने की बात नहीं कर रहा, आप स्वयं खड़े होकर खड़े जाने के लिए क्यों विवश हो रहे हैं? अपना मानवाधिकार क्यों उपेक्षित आप करते हैं? क्या यह मानवाधिकार नहीं है? क्या यह मानवाधिकार नहीं कि आप जानवरों की तरह न टेम्पो में बैठें, न ऑटो में बैठें? क्या आपको यह मानवाधिकार का विषय नहीं लगा? क्या आपको स्वयं अपने शरीर, अपनी गरिमा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? यदि हर व्यक्ति 3 से ज़्यादा ऑटो में बैठने से इनकार कर दे, तो क्या ऑटो चलना बंद हो जाएंगे या ऑटो की संख्या नहीं बढ़ेंगी? तब भी चलेंगी ऑटो, क्योंकि तब ड्राइवर यह जान जाएगा कि नागरिक अब अपने नियम जान चुका, अपने अधिकार जान चुका, और वह बेवजह भूसे की तरह, जानवर की तरह नहीं बैठेगा। टेम्पो वाला जान जाएगा, बस का कंडक्टर यह तुरंत सूचना देगा कि पीछे से अभी इस रूट की बस आ रही है, इसलिए आप खड़े मत चलिए, वह आपको नहीं बैठाएगा, क्योंकि उसे पता है पीछे एक बस आ रही है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार की स्थापना होगी, और जिस दिन भारत जैसे देश में लोगों के अंदर यह आत्मज्ञान आएगा तर्क के आधार पर कि मेरे शरीर के स्वयं की भी गरिमा है, अस्तित्व की गरिमा है, उस दिन वह आधुनिक बनेगा और आधुनिकता की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी तो हम गुलामी की तरह जी रहे हैं, आभासी गुलामी को लेकर हम यह सोचते हैं कि यह सब बकवास है, किसी तरह जी लेना ही जीवन है, कहाँ तक लड़ाई लड़ी जाए, बोलने पर कुछ होगा नहीं। क्या यह सब एक अप्रत्यक्ष और आभासी गुलामी नहीं है, जिसने आपको अभी भी मानसिक रूप से यह बताया है कि आपका अस्तित्व कुछ नहीं है, आपकी आवाज़ कुछ नहीं है, आपका विरोध कुछ नहीं है? क्या इससे भी ज़्यादा स्पष्ट यह जानने की आवश्यकता है कि आप मानवाधिकार के हनन उल्लंघन के साथ जी रहे हैं, और इसको दूर करना भी आप पर है। जब आप जिस दिन भी आंतरिक रूप से अपने शरीर का महत्व जान जाएंगे, इसके अस्तित्व के लिए लड़ने लगेंगे, बोलने लगेंगे, उस दिन मानवाधिकार की स्थापना होगी और आप आधुनिक मानव बनेंगे। क्या आप आधुनिक मानव हैं, यह सोचना आपको है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन सिर्फ विचार रख सकता है, आपकी चेतना जगा सकता है। यदि आपको यह बात समझ में आती तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि आधुनिकता की परिभाषा में आप अपने को आंक सकें, तौल सकें और मानवाधिकार की स्थापना कर सकें। जय हिंद, जय भारत।